अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, अभी ना कल मैं गई थी मार्केट और रैंडमली मुझे इतनी सारी चीज़ें दिख गई शॉपिंग करने के लिए। मैं इतना कुछ सोच कर नहीं गई थी, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सोच कर नहीं जाते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती है ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वाली होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। हमारे घर के जस्ट पास ही एक मॉल है, मिनी मॉल है, तो वहाँ पर हम लोग सब गए थे। आयरा जो है ना, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उधम करती है बाहर जाने के लिए, तो हस्बैंड बोले कि चले ठीक है चलते हैं, थोड़ा सा इसको घुमा के लाते हैं बाहर, तो इसका मूड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। वैसे तो हम लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे हैं, कभी कभी जिद कर जाते हैं। तो जब हम लोग गए ना वहाँ पर, तो बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। अच्छा, जब हम लोग पहुँचे ना वहाँ पर, तो आयरा को जो थे वो हस्बैंड घुमाने में बिज़ी हो गए। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप बिज़ी है तो मैं थोड़ा बहुत विजिट करती हूँ। और हम लेडीज़ों की तो वैसे भी एक हैबिट होती है, मतलब कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर करते ही हैं, जहाँ पर शॉपिंग करने की चीज़ें होती है। तो बस मैं ऐसे एक ही शॉप में चली गई, तो वहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद जब मैंने प्राइस पूछे ना, तो बड़े अच्छे प्राइस में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। विजिट करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और मैंने उनसे बोला कि आप इस शॉप के अंदर आ जाए। तो जब वो आए तो मैंने कहा कि मुझे जो है ना यहाँ पर बेडशीट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड प्राइस जो है ना इनके बहुत रीजनेबल हैं। तो वो मुझसे बोले कि चलो ठीक है, तुमको जो अच्छा लग रहा है तुम यहाँ से शॉपिंग कर लो, बट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट ही निकले हैं और ऐसे कुछ इरादे से नहीं निकले थे। तो मैंने कहा चले ठीक है, कम टाइम में जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी तो मैं जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ, बस मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए, मैं बाहर आती हूँ शॉप के। अच्छा, बेडशीट्स जो है ना मुझे 4 से 5 लेनी थी, मैंने सोच लिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट ट्रॉली में फिल करी, उसके बाद मैंने एक कंफर्टर का सेट लिया था, कंफर्टर का सेट भी मैंने ट्रॉली में ऐड किया। लास्ट में मैंने पिल्लो के सेट लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में मैंने पिल्लोज़ के सेट लिए हुए थे, और ये पिल्लो के जो सेट थे ना ये 5 पीसेज में थे। अच्छा, जितनी भी मैंने बेडशीट्स यहाँ से बाय करी थी ना, तो उनका जो मटेरियल था बड़ा सॉफ्ट मटेरियल था एंड प्योर कॉटन था, मतलब बिल्कुल भी मिक्स्ड कपड़ा नहीं था। और क्वालिटी बेसिस पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, चाहे वो कंफर्टर हो, पिल्लोज़ के सेट हो या बेडशीट हो, क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। बस 15 से 20 मिनट लगी मुझे शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद हम सभी लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने कहा कि इत्मीनान से वीडियो बनाऊंगी, आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या शॉपिंग करी है। तो जब हस्बैंड सुबह चले गए ना, और हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपली आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी एंड रोटी बनाई थी। रोटी में मैंने देसी घी ऐड किया था एंड मैंने चाय बना ली थी। थोड़ा सा हैवी नाश्ता किया था, हेल्दी भी था एंड हैवी भी नाश्ता था। नाश्ता करने के बाद बस हस्बैंड जो थे वो ऑफिस चले गए थे, बाकी डेली रूटीन के जो भी मेरे पास काम थे करने के लिए घर पर, तो सारे मैंने काम जल्दी जल्दी से करे। उसके बाद बेटी को मैंने सुला दिया था, मैंने कहा तुम सो जाओ वरना तुम वीडियो जो है मुझे बनाने नहीं दोगी, क्योंकि जब अगर वो जगती रहती है ना तो मोबाइल जो है ना वो मेरे हाथ से बार बार छीनती रहती है या हाथ मारती रहती है। अच्छा, ये मैंने 5 पीसेस के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में पिलोज कवर लिए हुए थे एंड 3 सेट लिए थे इसके। सबसे पहला सेट जो आप लोगों ने देखा वो डार्क ब्राउन कलर का था और उस पर गोल्डन कलर का वर्क दिया हुआ था, फ्लावर्स बने हुए थे, बड़ा डिफरेंट एंड यूनिक मुझे लगा। एंड सेकंड ये था, ये लाइट गोल्डन कलर का था एंड ब्राउन कलर का इस पर वर्क दिया हुआ था, ये भी कटवर टाइप में था एंड इस पिलो के ऊपर कटवर में स्मॉल साइज़ में प्रिंट दिया हुआ था, ये कटवर टाइप में ये फ्लावर्स बने हुए थे, बहुत छोटू छोटू से बने हुए थे, ये भी बहुत यूनिक स्टाइल में लगा। एंड लास्ट एंड थर्ड सेट पिलो का ये था, सिल्वर में एंड ब्लैक में, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट भी था एंड डार्क भी था, बट लाइट शेडेड जो था ना तो वो ज़्यादा था इसमें। अच्छा, ये 5 पीसेस के सेट तो मैं पिलोज़ के लेकर लेने को तो मैं लेकर आई, बट मैं बाद में यही सोच रही थी कि इतने सारे पिलोज़ मैं यहाँ पर करूँगी क्या। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चले ठीक है, जितने भी यहाँ पर यूज़ होंगे होंगे, बाकी जो है मैं इंडिया घर ले जाऊँगी। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी शॉपिंग करके रखी है इंडिया जाने के लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें लेकर रखी है, ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी है। बस लास्ट लास्ट में जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं या चॉकलेट्स हैं, तो वो बंदा उसी टाइम पर ही लेता है। एंड जितनी भी मैंने शॉपिंग करके रखी हुई है ना, तो उसमें ये पिलो कवर भी ऐड कर देती हूँ, जितना मुझे यूज़ होगा मैं यहाँ करूँगी, बाकी जो भी मेरे पास बच जाएंगे ना तो मैं इंडिया ले जाऊँगी। अच्छा, बेडशीट भी मैंने जितने लिए ना तो लाइट एंड डार्क शेडेड में ही लिए, मैंने मिक्सअप लिए। और मोस्टली क्या होता है ना कि मेरे माइंड में यही होता है कि जितनी भी बेडशीट्स होते हैं या कंफर्टर है, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करने के लिए लेती हूँ ना, तो लाइट शेडेड में ही लेती हूँ, बट इस बार जो है ना मैंने मिक्स लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डार्क शेडेड में भी बहुत सारे प्रिंट ऐसे होते हैं कि आपको एक ही नज़र में पसंद आ जाते हैं।
और ये मैंने एक कंफर्टर का सेट लिया हुआ था, ये मैंने फुल्ली सेट लिया हुआ था, इसकी बेडशीट भी थी एंड पिल्लो कवर भी थे और साथ साथ इसका कंफर्टर भी था एंड एंड इसका जो मटेरियल था ना वो भी बड़ा सॉफ्ट था, क्वालिटी बेसिस बहुत ज़्यादा बेस्ट था ये। अच्छा, जितनी भी मैंने शॉपिंग करी है कंफर्टर सेट की या जितनी भी बेडशीट हैं, पिल्लोज कवर हैं, तो उसके प्राइस भी मैं मेंशन कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ। 5 पीसेस के जो पिलोज के कवर मैंने लिए हैं ना, तो वो 1 सेट मुझे पड़ा 40 रियाल का, 3 सेट मुझे पड़े 120 रियाल के। बाकी जितनी भी बेडशीट्स आप सभी लोगों ने देखी है तो उनके सेम ही प्राइस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें, क्योंकि वहाँ पर जो भी सेल लगी हुई थी जितनी भी बेडशीट्स थी ना, तो उनके सेम ही प्राइस लगे हुए थे एंड एक बेडशीट का जो प्राइस था तो वो 60 रियाल था। बाकी जितने भी कंफर्टर सेट लगे हुए थे तो उनका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस था, मतलब बस सिमिलर नहीं था, क्योंकि जो कंफर्टर के सेट लगे हुए थे तो वो डबल में भी लगा हुआ था एंड सिंगल में भी लगा हुआ था, तो मैंने डबल वाला कंफर्टर सेट बाय किया हुआ था, तो इसका जो प्राइस था तो 120 रियाल था। एंड ये मैंने जो कंफर्टर सेट बाय किया हुआ था ना, तो ये मेड इन कोरिया था। बाकी जो भी कंफर्टर सेट लगे हुए थे ना, तो हाई लेवल पर भी उनके प्राइस थे, मतलब जैसे कि 200 रियाल है, 250 रियाल है, तो समथिंग इस तरह से कुछ प्राइस में वहाँ पर लगे हुए थे। बट जितने भी कंफर्टर सेट वहाँ पर लगे हुए थे ना, तो क्वालिटी बेसिस बहुत अच्छे लगे हुए थे। बस ये था मेरा बहुत छोटू सा व्लॉग, आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।